जोखिम नहीं लेना मना है। काफी लोग अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते, उनको डर लगता है धंधे में जोखिम लेना, मतलब रिस्क लेना, या अपने नौकरी में रिस्क लेना, या कोई भी काम में रिस्क लेना उनको बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला ऐसा होता है। उनको लगता नहीं कि अपन समझो वहां जोखिम लिया और वहां असफलता आ गई तो फिर लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, पैसे चले जाएंगे, क्या होगा, ऐसा उनको लगता रहता है और फिर वो जोखिम लेते ही नहीं। आपको बताया कि जोखिम नहीं लेना ये सबसे बड़ी जोखिम है। सो टेक इसे बिगर रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल, ऐसा बोला जाता है। तो जोखिम ले लो, जो होगा वो देखेंगे। तो जोखिम जब लेना है तो आप अपने आप को कुछ सवाल करो और उसके जवाब देखो क्या आते हैं। तो पहला सवाल है कि समझो मैंने ये जोखिम लिया, समझो मैंने रिस्क लिया, तो बुरे से बुरा क्या होगा, मतलब वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा। हो सकता है कि पैसे चले जाएंगे, हो सकता है कि मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे लोगों से झगड़े हो जाएंगे, मेरी पार्टनरशिप टूट जाएंगी, रास्ते पे आ जाएंगे, बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा, घर में झगड़े होंगे, घर में पटेंगे नहीं, मिसेस पत्नी निकल जाएंगी, पैसा नहीं है, तो मतलब क्या होगा भाई, बुरे से बुरा क्या होगा। मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई आप जब धंधा चालू करते हैं तो ये देखो कि एक साल तक समझो वो धंधा चलता नहीं है और आपको एक साल तक लॉस आता है तो क्या अपने आप को आप सस्टेन कर सकते हो, उतने आपके पास में रिजर्व है क्या, और उतने रिजर्व फंड आपके पास में होंगे तो रिस्क ले लो, कोई चिंता नहीं। उतना भी नहीं होगा तो बुरे से बुरे क्या, बुरे से बुरा क्या होगा उसके एक लिस्ट बनाओ, बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट। और दूसरा सवाल अपने आप को यह करो कि समझो मैं रिस्क नहीं लेता हूं और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता हूं तो फिर बुरे से बुरा क्या होगा। हो सकता है कि मैंने रिस्क नहीं लिया, जैसा है वैसा चलने दिया, स्टेटस को रखा, तो चार साल पांच साल बाद में मुझे बहुत बेकार लगेगा कि मैंने रिस्क लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं रिस्क लिया, मैं बहुत डर गया, मेरी काफी सारे मौके हाथ से निकल गए। तो बुरे से बुरा क्या होता है कि जो चल रहा हो चलने वो चलने जाना पड़ता है या और खराब हो जाता है। तो ये दो सवाल यदि आप अपने आप को पूछते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, दोनों तरफ देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है और जिसमें फायदे ज़्यादा है नुकसान कम है वो आप एक्शन लेते हैं तो आपको आगे चलने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो ये हमने देखना जरूरी है कि भाई होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऐसा बोला जाता है कि भाई आशा करो कि अच्छे से अच्छा हो जाएगा और अपनी तैयारी करो कि बुरे से बुरा होगा तो क्या करना। और ये आप करते हैं तो आप कोई भी सिचुएशन का, कोई भी वास्तविकता जो उसका सामना, कोई भी सिचुएशन है उसका सामना आप कर सकोगे बिना डरे हुए। देखो जिनको जिनको बहुत बड़े बहुत बड़ी सफलता मिली उन्होंने रिस्क लिए, ऐसा हो जाता है कि नो रिस्क नो गेन। तो आपको यदि बड़ा गेन चाहिए तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर जो चल रहा है वैसा चलते रहेगा। तो जिंदगी में आप डेफिनेटली रिस्क लो, और हम बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लो, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब एकदम ही रास्ते पे नहीं आएंगे वैसा। समझो धंधा नहीं चलता है तो क्या होगा, एडमोस आपको वापस नौकरी पे जाना पड़ेगा और क्या होगा, दूसरा धंधा ढूंढना पड़ेगा, कोई और धंधे के ऊपर नौकरी पकड़नी पड़ेगी जो भी है वो, या ओरिजिनल नौकरी जो है वो लेनी पड़ेगी, जो भी है वो करना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कुछ होने वाला है नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, स्पेशली जो लोग बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर पे है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो आपके दोस्तों में, उनको स्पेशली वीडियो शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।